तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि मेज प्लेलिस्ट में जाकर किस तरह से हम लोग वीडियो सर्च कर सकते हैं, जरा प्लीज़ आप हमें बताइए। तो चलिए, मैंने इसके पहले भी दो तीन वीडियोस अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन चलो और एक बार और सही। ओके, तो इस तरह से जब आप लोग आपका मोबाइल खोलते हैं तो ये सारे फीचर्स आपके सामने आ जाते हैं। तो इसमें जो यूट्यूब है ना, इसे आपको करना है क्लिक। तो आप लोगों का जो YouTube का चैनल है वो चैनल खुलेगा। ओके, यस। तो जब ये चैनल खुलता है तो आप जाएंगे सर्च में। सर्च में जाने के बाद ये जो शालिनी हुबलीकर अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या फिर सर्च में जाइए, यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप लोग को शालिनी हुबलीकर टाइप करेंगे तो मेरा चैनल जो है वो खुल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ये जो मेरा प्यारा सा छोटू सा फोटो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, गोल में उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो मेरा पूरा चैनल खुल गया है। तो ये रहा, यहाँ पर है प्लेलिस्ट, है ना। तो ये प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को मेरे सारे अपलोडेड वीडियोस दिख जाएंगे। हाँ, और ये ऐसे वगैरह, ऐसे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, कहानी लेखन, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी यहाँ में अपलोड किया है, और मैंने ये अलग से ही एक प्लेलिस्ट में इसका एक खोला हुआ है ताकि आप लोग को ज़्यादा ढूंढना न पड़े। ओके, फिर देखो 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड, जिस किसी भी आप स्टैंडर्ड में है तो आप लोग उस स्टैंडर्ड को क्लिक कीजिए तो आपके जो सारे वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हुए हैं, यानी अपलोडेड वीडियोस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स को वगैरह फॉरवर्ड करना मेरे चैनल को, तो ये जो है ना एरो, इसे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब खुल जाएगा। आप कैसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, तो वो हिसाब से आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपको पीछे जाना है तो फिर बैक करते जाइए आप लोग। तो बैक जैसे जैसे करते जाएंगे तो आप लोगों को पीछे 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 वो होते जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हो गया ना कंप्लीट। तो आई होप आप लोग को प्लेलिस्ट अच्छे से अभी समझ में आ गया है। ओके, तो अभी कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो तमे, मजा ना ने, कशे आहत तुम्ही, मज्जेत ना। मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जनरल साइंस। तो आज मैं आप लोग के लिए क्या अपलोड करने जा रही हूँ, चलिए देखते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लेसन नंबर 11, सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए मुझे बच्चों ने बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजे हैं कि मैम प्लीज इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड कीजिए। तो चलिए फिर मैं आज आपके लिए अपलोड करने जा रही हूँ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो जब जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल, तो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कीजिएगा और ऑल में जाइए तो आप लोगों को मिलेंगे मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन, प्लस मैं जो लाइव स्ट्रीम में आने वाली हूँ उसके भी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलेंगे, और फिर शालिनी हुबलीकर के साथ लाइव सीखने में जो मजा आएगा आप लोगों को, और आपके जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे ऑन द स्पॉट। तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिए मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ओके, और लाइक करने मत भूलना मेरे चैनल को। ओके, तो
आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ इस लेसन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो ये लेसन मैंने हालांकि सिखाया नहीं है, लेकिन बच्चों ने मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स देने के लिए कहा है, तो मैं आप लोगों को ये लेसन जरूर सिखाने वाली हूँ। अगर आप लोग को अर्जेंट है, बच्चों ने मुझे कहा है क्वेश्चन एंड आंसर्स नोटबुक्स कंप्लीट करने हैं, इसके लिए मैं अभी पहले आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, सो गेट रेडी विद योर टेक्स्ट बुक, नोटबुक एंड पेन। ओके, चलो तो वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में जब भी आप लोगों को सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उसके जो आंसर्स होते हैं ना, वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स कवर करना आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एज पर क्वेश्चन अगर आप लोगों ने आंसर में पॉइंट्स कवर अप नहीं किए, तो फिर आप लोगों को टीचर मार्क्स नहीं देगी। ओके, तो ए, व्हाट इज अ सेल, यानी सेल यानी क्या होता है, सेल अपने बॉडी के अंदर होता है ना, और वो यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स जो होता है, लिविंग थिंग्स जो होते हैं, वो आप लोगों ने सीखा हुआ है। तो उसी सेल के बारे में ये सवाल है कि व्हाट इज अ सेल। तो इसका आंसर आप लोग किस तरह से लिखोगे, देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिख कर दिया हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखोगे, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ सेल। ठीक है, स्ट्रक्चरल यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और फंक्शनल वो बॉडी में क्या फंक्शन करता है। ठीक है, तो इसका जो यूनिट बॉडी के अंदर जो यूनिट है, उसे ही कहते हैं सेल। ओके, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो वो है बी, नेम द डिफरेंट ऑर्गेनल्स इन अ सेल। तो सेल में कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को उन्होंने सवाल पूछा। तो ये जो नेम्स है ना, इसके स्पेलिंग्स आप लोगों को याद करने ही होंगे। अगर आप लोगों को स्पेलिंग्स याद नहीं हो रहे हैं बाहर करके, तो एक एक नाम का जो स्पेलिंग है वो 10-10 टाइम बोल बोल कर आप लोग लिखोगे, तो आप लोगों को बाहर हो जाएगा। ओके, तो उनके नाम क्या है, न्यूक्लियस, एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टाइट्स, वैक्यूल्स आर ऑल डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को स्पेलिंग्स जो है ना, उसको लिखने में आप लोग प्लीज गलती मत कीजिएगा। अगर आप लोग अच्छे से बराबर से प्रोनाउंस करके लिखोगे, तो स्पेलिंग्स भी आप लोगों को जल्दी से याद हो जाएगा, और लिखते लिखते स्पेलिंग बोलते बोलते लिखिए, तो अपने आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं सी। सी में यहाँ पर आप लोगों को पूछा है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसके पहले के जो लेसन्स थे, उसमें मैंने तुम लोगों को कहा हुआ था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जिसे हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो अभी इसका आंसर लिखते समय आप लोग किस तरह से लिखोगे, द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ विच कैन बी सीन ओनली अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जिन्हें हम लोग सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, नेकेड आई से यानी हम लोग को ऐसे ही अपनी खुली आंखों से वो दिखाई नहीं देते, उसे देखने के लिए हम लोगों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ओके, तो भूलना मत, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डी, विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट टाइप्स कौन से है, तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखोगे? सिंपल ही है, लेकिन खाली जरा स्पेलिंग ही आप लोग को याद करने होंगे। फंगी, अल्गी, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोन आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वेरी इजी, पर स्पेलिंग्स आप लोगों को याद करने होंगे, और पिछले ईयर में भी आप लोगों को ये सब हो गया है, तो आई होप आप लोगों को इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, तो नेक्स्ट अभी आप लोगों को यहाँ पर उन लोगों ने दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड्स। तो देखते हैं भाई क्या है फिल इन द ब्लैंक्स में। ए, द ऑर्गेनेल कॉल्ड द प्लास्टाइड्स इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली। ध्यान में रखना, प्लास्टाइड जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होते हैं। ओके, टू, गार्बेज इज कन्वर्टेड इनटू, गार्बेज यानी कचरा, गार्बेज इज कन्वर्टेड इनटू, तो किस में कन्वर्टेड करते हैं उसको? फर्टिलाइजर्स ए बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोगों ने पिछले साल साइंस में सीखा हुआ था कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कैसे कोई भी पेड़ के पत्ते या फिर डेड एनिमल्स वगैरह होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्रिया होती है, फिर वो एक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको जो सॉइल होता है उसे फिर से यूज करता है। वो फर्टिलाइजर ट्री को बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, जो खाद होता है ना, खाद डालते हैं ना फार्म्स में पेड़ों को, तो वो इसी से बनाया जाता है। सी, इन द सेल फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट है। डी, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज नेसेसरी फॉर द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स और सेल ऑर्गेनल्स, तो किसकी स्टडी के लिए उनका यूज होता है? माइक्रोब्स एंड सेल ऑर्गेनल्स। देख लो भाई इसके आंसर, ठीक है, और समझ भी लेना आप लोग। और कभी भी आप लोग जब क्वेश्चन रीड करते हैं तो कभी कभी ये लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन में ट्विस्ट भी कर देते हैं, तो अगर आप लोगों ने रट्टा मार के अगर तुम लोग करते हैं ना, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, और आप लोग को समझ के अगर आप लोग लिखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि इन लोगों ने किस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया हुआ है, चेंज किया हुआ है। ओके, तो उसके आगे है थ्री, वट इज डिफरेंस बिटवीन अस, हम लोगों में क्या डिफरेंस है? वेरी इंपॉर्टेंट। ए, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जो नॉर्मली आप लोगों को हर साल पूछा ही जाता है एग्जाम्स में, ठीक है, तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है अभी हम लोग देखते हैं। के जब भी कभी आप लोगों को डिफरेंशिएट बिटवीन लिखने के लिए कहा जाता है, तो अगर आप लोग इस तरह से कॉलम्स बनाकर प्रॉपरली अगर लिखते हैं, तो टीचर लोगों को फाइंड आउट करने में भी, डिफरेंस फाइंड आउट करने में भी डिफिकल्टी नहीं होती, और दिखने में भी वो अच्छा दिखता है, और आप लोगों को मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? वन, प्लांट सेल हैव सेल वॉल, प्लांट सेल को क्या होते हैं? सेल वॉल होते हैं। एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, तो एनिमल सेल को सेल वॉल नहीं होता, है ना आसान? देखो कितने इजीली ये याद हो जाएगा आपको। टू, द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल इज लेसर ग्रेन्यूलर एंड नॉट डेंस, द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स इज मोर ग्रेन्यूलर एंड डेंस,
3, देयर इज अ सिंगल लार्ज वैक्यूल लोकेटेड इन सेंटर विच पुशेस द साइटोप्लाज्म टू वन एंड. द साइटोप्लाज्म इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल. तो तीन डिफरेंस भी अगर आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. तो बी में उन लोगों ने हम लोगों को डिफरेंशिएट बिटवीन करने के लिए दो पॉइंट्स दिए हैं, वो है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. तो अभी इसका डिफरेंस आप लोग किस तरह से लिखोगे? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. वन, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर अबाउट 1 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज. ये जो साइन है ये है माइक्रोमीटर. वन, यूकैरियोटिक सेल्स आर अबाउट 5 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज. टू, द सेल ऑर्गेनल्स इफ प्रेजेंट आर विदाउट मेम्ब्रेन. द सेल ऑर्गेनल्स आर ऑलवेज बाउंड विथ मेम्ब्रेन. थ्री, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स. बहुत ही इजी है अगर आप लोग अच्छे से समझ कर लिखोगे तो. फोर, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गे एंड बैक्टीरिया. यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, तो इस तरह से आप लोगों को ये जो डिफरेंशिएट बिटवीन है ना वो करना है. तो अभी आप लोगों को समझ गए हैं कि किस तरह से आप लोगों को लिखना है. ओके, तो नेक्स्ट अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. फोर, स्केच एंड डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो इसका डायग्राम ना आप लोगों के बुक में ही दिया हुआ है. आप लोगों को डायग्राम भी निकालना है, स्केच भी निकालना है और उसके बारे में डिस्क्राइब भी करना है. तो वो कौन सा डायग्राम है मैं आपको बताती हूँ. तो यहाँ पर देखो पेज नंबर 73 में आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है और ये है उसका डायग्राम. ओके, ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल. ओके, तो ये डायग्राम निकाल कर आप लोगों को ये जो किस पार्ट का क्या नाम है उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना थोड़ा भी आप लोगों का लाइन यहाँ का वहां चूक गया तो किसी का नाम किसी को भी आप लोग मैच कर दोगे. ठीक है, तो कम से कम 5 बार तो ये डायग्राम आप लोगों को निकालना चाहिए अगर आप लोग परफेक्ट होना चाहते हैं तो. और ये हमेशा आता ही है एग्जाम में, क्योंकि मैं जब सीख रही थी तभी भी मुझे ये डायग्राम आया हुआ था, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो ये जो है ना आप लोग पक्का दिमाग में रखना है आप लोगों को ये डायग्राम. ओके, तो अभी आप लोग ये डायग्राम निकालिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके आगे के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है मैं आप लोगों को देती हूँ इसके पार्ट टू में, वरना वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा. तो अगले पार्ट टू में मैं आप लोगों को स्टार्ट करने वाली हूँ 5 से, एक्सप्लेन द यूजेस एंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो तब तक ये डायग्राम और ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आप लोगों को ये पक्का आप लोग लिखते लिखते ही याद कर लीजिए और 5 बार डायग्राम जरूर निकालना ताकि वो पक्का आपके दिमाग में बैठ जाए. ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग पार्ट टू में और उसके बाद जो भी ये क्वेश्चन एंड आंसर्स है ना ये
हार्मफुल इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड गिव रीजंस जो है, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन आप लोगों ने ऑलरेडी टैप कर दिया है, तो थैंक यू वेरी मच। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड स्टे होम स्टे सेफ। बाय बाय।